वाला पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 16 साल से लगातार चल रहा है और दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस सीरियल के हर एक किरदार ने घर घर में अपनी पहचान बना ली है। ऐसा ही एक किरदार है अब्दुल, जिसे सालों से एक्टर शरद सांकला निभा रहे हैं। अब्दुल बनकर शरद ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। शरद सांकला, जो सिटकॉम शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल का किरदार निभा रहे हैं, हाल ही के ट्रैक के प्रोमो में गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य अब्दुल के गायब होने से चिंतित दिखाए गए हैं। सोशल मीडिया पर इस प्रोमो वीडियो के वायरल होने के बाद अभिनेता के प्रशंसकों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद कुछ शाह के बाद अब अब्दुल भी शो छोड़ देंगे। लेकिन जैसा कि सामने आया है, ये सारी बातें गलत हैं। खुद शरद सांकला ने पुष्टि की है कि जब तक शो चलता रहेगा वो इसका हिस्सा बने रहेंगे। डॉट पिंकविला को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो शो नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दर्शकों को गलत जानकारी मिल रही है, ये सिर्फ शो का एक ट्रैक है। अब्दुल जल्दी ही गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ जाएगा। नीला टेलीफिल्म्स बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है और असित मोदी एक बेहतरीन इंसान है, शरद ने आगे कहा। मैं इस शो को अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता। सबको बता दीजिए कि अब्दुल भाई कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं छोड़ेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल बनकर शरद भले ही जेठालाल को सोडा और शिकंजी पिलाते हो, लेकिन असल जिंदगी में एक्टर खुद के दो दो रेस्टोरेंट्स चलाते हैं। शरद दो रेस्टोरेंट के मालिक हैं। यहां से भी एक्टर अच्छी खासी कमाई करते हैं। साल 2021 में शरद सांकला की नेटवर्थ 15 करोड़ यानी 2 मिलियन के करीब दिखाई गई है। 26 जुलाई को एक वीडियो में कुछ शाह गोकुलधाम सोसाइटी में स्कूटर पर आते दिखे। उन्होंने दर्शकों से कहा, जब यह शो शुरू हुआ था और जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तब मैं बहुत छोटा था। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है और इस परिवार ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया है। मैंने यहाँ बहुत सारी यादें बनाई हैं, बहुत मजे किए हैं, मैंने अपना बचपन यहीं बिताया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता श्री असित कुमार मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरे किरदार को इतना दिलचस्प बनाया और हमेशा मुझे प्रेरित किया। उन्हीं के भरोसे की वजह से आज कुछ गोली बन पाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।